हाय फ्रेंड, आज वेलकम करती हूँ एक नए वीडियोज में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं मैं 2.5 किलो आंवला ली हूँ और इस आंवले में 1 लीटर के लगभग मैं पानी डाल रही हूँ। तो देख सकते हैं मैं पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। तो इसी तरह से पानी आपको भी ऐड कर देना है। पानी उतनी मात्रा में ऐड करना है कि आंवला अच्छी तरह से उबल जाए। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आंवला को पानी में डुबो देना है, इसलिए कि मैं जब ढक्कन लगाऊंगी तो वो आंवला भाप में पक जाता है। तो आप ऐसे ही करिए, पानी 1 लीटर की मात्रा डालिए। ज़्यादा डुबाने की ज़रूरत नहीं है कि आंवला एकदम से डूब जाए तब फिर मैं वो करूँ, तो ऐसा नहीं है। आप लोग देख सकते हैं मैं ढक्कन लगा दी हूँ और गैस ऑन कर दी हूँ। तो देख सकते हैं 10 मिनट तक हो गया है। तो चलिए देखते हैं आंवला कैसे है। पकाया अभी नहीं तो उबल गया होगा। तो देख सकते हैं उबल गया है। मेरे को इतना ही उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है, नहीं तो ज़्यादा गल जाएगा उबल करके। तो देख सकते हैं इतना एकदम से थोड़ा थोड़ा लाइन पड़ गई है, फट गया है। तो चलिए मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो एक जाली वाले बर्तन में निकालना है, तो मैं एक थाली में निकाल रही हूँ। कोई भी जाली सा बर्तन में निकालिए ताकि पानी जो उसका है अच्छी तरह से निकल जाए। तो देख सकते हैं मैं इसी बर्तन में निकाल रही हूँ। तो चलिए हाथ की मदद से कुछ निकाल ली हूँ। तो गर्म बहुत है, हाथ जल रहा है, तो चलिए मैं करछुल की मदद से ही सारा का सारा निकाल लेती हूँ आंवले को। तो ऐसे ही निकाल लेना है, पानी छान छान के इतना ध्यान देना है। तो देख सकते हैं मैं छन्नी ले ली हूँ, उससे थोड़ा सा पानी भी आ जाता था। तो ऐसे ही आप बनाइए फ्रेंड, यकीन नहीं मानेंगे, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं मैं आंवले को सारा आंवला निकाल ली हूँ। अब इसको चलिए मैं फोड़ लेती हूँ। तो इसको अलग कर लेती हूँ पीसेस सा, बीजा निकाल देती हूँ। तो बीजा मैं निकाल रही हूँ, देख सकते हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को बीजा निकाल देना है और यकीन नहीं मानेंगे बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है। तो जब इसमें मैं हरी मिर्ची का उपयोग करूंगी इसमें इसके साथ, तो देख सकते हैं पहले मैं इसको फाड़ लूंगी, पूरा बीजा निकाल दूंगी फोड़ फोड़ के। तो देख सकते हैं पूरा 1-1 पीसेस अलग कर देना है। ये नहीं कि बीजा बस अलग कर दिए बाकी सब पीसेस सटी हुई हैं, तो ऐसा ना हो, सब अलग कर देना है। तो देख सकते हैं एक पाव में मिर्ची ली हूँ 2.5 किलो आंवले में। तो इस आंवले का मैं ये ढेप निकाल देती हूँ। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो मैं इसको निकाल करके और मैं फाड़ करके बीच से उसको बफा के मसाले इसी तरह से लगा दूँगी उसमें भी। तो देख सकते हैं तब तक मैं इसमें डाल दी हूँ मसाले, एक बड़े बर्तन में बाउल में डाल करके मैं इसमें मसाला डाल दी हूँ। अब लहसुन डाल दी हूँ, तो लहसुन भी डाल देना है। और उस मिर्ची को मैं कढ़ाई में रख दी हूँ तो वो पक रही है, तो हल्का सा तेल डाल के उसको मैं फ्राई कर दी हूँ। और स्वादानुसार इसमें नमक डाल देना है। तो देख सकते हैं मैं स्वादानुसार नमक डाल दी हूँ। तो अब मैं चलती हूँ हल्दी डाल देती हूँ। तो हल्दी जितना अचार आपको पीला रखना है, कम पीला रखना है, उसी हिसाब से डालिए, कोई ज़रूरी नहीं कितना डालना है। तो मिर्ची भी मेरी पक गई है, तो उधर मैं उसको हल्का सा फ्राई कर दी हूँ मिर्ची को। तो फ्राई करने पर ही टेस्टी अचार बनता है। तो आप लोग फ्राई करके और फिर ऐसे ही मसाले जैसे आंवले में लगाते हैं इसी तरह से लगा लीजिएगा। मिर्ची की मेरी वीडियोज एक है, उसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे पकाना है। तो चलिए मैं तेल डाल देती हूँ। तो ये तुरंत खाने के लिए है, तो इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है। वैसे भी तेल का उपयोग ना करिए, इसलिए ये बस एक महीने भर खा सकते हैं। इसको फ्रिज में स्टोर करके रख दीजिए और महीने भर खाइए, खूब आराम से बढ़िया टेस्टी अचार एकदम बनता है। तो मिर्ची वाली वीडियोज मेरी देख लीजिएगा, उसी ट्रिक से बनाइएगा और इसी में मिर्ची फिर मिला लीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड। तो देख सकते हैं मैं ऐसे हाथ की मदद से सारा नमक और मसाले को तेल के साथ एबजारो कर दूँगी, सुखा दूँगी अच्छी तरह से। तो ऐसे ही मिक्स कर डालना है आप लोगों को। तो चलिए मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये रही ट्रिक रेसिपी बनाने की। तो कैसे लगा आप लोग यकीन नहीं मानेंगे। अब चलिए मैं मिर्ची जो मसाले लपेट के रखी थी, सो देख सकते हैं इसको मैं मिर्ची को बीच पर से फाड़ के ही फ्राई की हूँ। तो मिर्ची की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा इस ट्रिक से बनाने के लिए। तो अब चलिए मिर्ची हाथ तीता नहीं करना है हमको, तो इसी में पहले से मैं मिर्ची को अचार बना ली थी मसाले लगा के तेल डाल के। तो इसको मैं अब पूरा मिला हुआ है, तो मैं इसको मिर्ची को इसी में मिला देती हूँ। यकीन नहीं मानेंगे आप, इतने अचार खाएंगे कि आप जो कोई आंवले का अचार खाते भी नहीं होंगे वो भी खाने लगेंगे, इतना टेस्टी बन जाता है। लेकिन जब मिर्ची फ्राई करके डालेंगे तभी।
तो हरी मिर्ची, अब मिर्ची भी नहीं ख़राब होगी और मिर्ची भी टेस्टी बन गई फ्राई करने के बाद। तो देख सकते हैं अब कितना एकदम परफेक्ट लाजवाब आमले का अचार बन के रेडी है फ्रेंड। तो अब क्या है, चलिए तो अब रखने की ट्रिक है, मैं 2 चम्मच तेल डाल दी हूँ इसमें, तो 2-2 स्पून दोनों में ही तेल डाले हैं। और डिब्बे में, जिस डिब्बे में स्टोर करना है उसमें थोड़ा सा तेल नीचे ज़रूर डालिए। कोई भी अचार रखना है, कोई ये ज़रूरी नहीं कि आमले की अचार भी ही, जिस बर्तन में आपको स्टोर करके रखना है उसमें 2 चम्मच तेल डालिए, तभी उसको स्टोर करके रखिए, इसलिए कि नीचे से जो सड़ने की संभावना रहती है वो नहीं रहती फिर, इसलिए कि नीचे तेल रहता है तो फिर ख़राब नहीं होता, नहीं तो तेल नहीं रहता तो मान लीजिए आंवला की पीसेस में नीचे सांसा है थोड़ा थोड़ा, तो फिर वहाँ से सड़न फेंक देता है, सड़ने लगता है। अगर तेल रहेगा तो उसमें सड़न की संभावना रहती है, अचार अच्छा रहता है। तो देख सकते हैं।